नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पावर पॉइंट में ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट को किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या होते हैं, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो सारे मैंने आपको बताए थे। आज हम पावर पॉइंट की और आगे को जो टैब दिया है स्लाइड्स के जो सेटिंग करने के लिए उसको सीखेंगे। चलिए, हमेशा की तरह बातें कम और काम ज़्यादा। तो ये स्लाइड अपन ने बनाई थी और यहाँ पे हम स्लाइड शो वाले टैब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फ्रॉम बिगनिंग, इस पर क्लिक कर देंगे अगर अपन तो हमारी स्लाइड बिल्कुल शुरुआत से, जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, मैं स्लाइड नंबर 3 पे हूँ और मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग, तो हमारी स्लाइड बिल्कुल बिगनिंग से रन होगी। ये देखिए, जो मैं F5 की दबाता था ना, तो F5 इसी की शॉर्टकट की होती है स्लाइड को रन करने के लिए। आप क्लिक करते जाएंगे, आपके ये एनिमेशन इफेक्ट सामने आते जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं से रोक देता हूँ। ESC ध्यान रखना दोस्तों, ESC बटन जो होता है कीबोर्ड में, सबसे पहला बटन जो दिया होता है सबसे ऊपर, तो ESC लिखा होता है उसके ऊपर, उसे एस्केप कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है कि प्रेजेंटेशन को बीच में रोकने के लिए क्या करना पड़ता है। बीच में रोकने के लिए हम ESC यानी कि एस्केप बटन को प्रेस करते हैं दोस्तों। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में कई बार आती है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड, इस पर क्लिक करने से आपका प्रेजेंटेशन जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, मेरा इनका क्रम चेंज कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा ही लग रहा, बार बार क्रम उल्टा सीधा आता है। ठीक है, तो यहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से स्लाइड को रन करना चाहते हैं तो हम फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, ना कि फ्रॉम बिगनिंग पे। इसकी शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की होती है दोस्तों। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, देखिए जहाँ पर मैं प्रेजेंट में था वहाँ से मेरी स्लाइड रन हो गई। ये देखिए चल रही है, रोक दूंगा इसको मैं, ESC दबाता हूँ, रन कर दिया। आगे दिया है प्रेजेंटेशन ऑनलाइन, तो ए फ्री पब्लिक सर्विस डेट अलाउ अदर टू सी योर स्लाइड शो इन ए ब्राउजर, इस पर क्लिक करने से हम अपनी स्लाइड को ब्राउजर पर रन कर सकते हैं। जो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, तो वो किस लिए होगा, आप इसको नाम से ही समझ गए होंगे कि ये वाला ऑप्शन किस काम के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इसका यूज़ प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन किसी ब्राउज़र पर रन करने के लिए किया जाता है। जैसे क्लिक करूँगा तो ये कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं कनेक्ट कर दूँगा और ये कनेक्ट करने के बाद ब्राउज़र पर रन हो जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं ऐसा रन नहीं करता हूँ, आप रन करके देखिए, आपके लिए होमवर्क है, करके देखिए रन, और अगर आप पर रन नहीं होता है किसी प्रकार से, आप रन नहीं कर पाते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं इस ऑप्शन की स्पेशल वीडियो बना करके, जो कि रन कैसे करते हैं बना करके मैं डाल दूंगा और आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। कस्टम स्लाइड शो, जी हाँ, मैंने पहले भी कई बार बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि जहाँ पर कस्टम नाम आ जाए वहाँ आपके हिसाब से काम होगा। तो कस्टम स्लाइड शो का मतलब होता है कि हम यहाँ अपने हिसाब से स्लाइड शो को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि जब मैं क्लिक करता हूँ फ्रॉम बिगनिंग पे तो मेरी स्लाइड स्टार्टिंग से रन होती है, क्लिक करता हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड से तो मेरी स्लाइड जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन उसके बाद की सारी स्लाइड शो होती हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ ही स्लाइड शो हों, कुछ ना हो मेरे प्रेजेंटेशन में, तो इसके लिए मैं कस्टम स्लाइड्स का यूज़ करूँगा। इसका यूज़ करने से हमारी जब स्लाइड शो रन होगा तो उसमें जो स्लाइड पर नहीं चाहते हैं उन स्लाइड को एक तरफ स्लाइड शो में गायब कर सकते हैं उन्हें अपन, और जो चाहते हैं दिखाई दें वही इसमें अलाउ हो सकते हैं। कैसे करते हैं अभी ये समझ में नहीं आया होगा आपको, देख करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं क्लिक किया कस्टम स्लाइड पर और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, बॉक्स आ गया, अब न्यू पर क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करने के बाद सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है, स्लाइड हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन फाइल में बनाई हैं। अब इन स्लाइड को मैं जो स्लाइड शो करनी है उन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इन्हें ऐड कर लेता हूँ।
ठीक है मुझे फीचर वाली नहीं करनी है, अगर कोर्स वाली करनी है और थैंक यू वाले करनी है। ध्यान से देखिए मैंने 1, 2, 3, 4 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये 3 वाली स्लाइड को मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, तो ये स्लाइड अब कस्टम शो में शो नहीं होगी। ओके करता हूँ, ये देखिए जी दिया शो नाम का ऑप्शन चालू हो चुका है। अगर मैं यहाँ से शो करूँगा ऐसे, तो प्रेजेंटेशन पे पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी स्लाइड आएगी, चौथी स्लाइड इस पर शो नहीं होगी, क्योंकि मैं कस्टम शो से यूज कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, देखा आपने वो स्लाइड नहीं आई, फीचर्स वाली स्लाइड नहीं आ रही है, कोर्स वाली आ चुकी है, ये थैंकिंग यू शो एंड वाली, तो ये स्लाइड नहीं आई फीचर्स वाली। कस्टम शो में जब मैं शो करूँगा इसको, ये कस्टम शो बन चुका है, जब भी मैं यहाँ शो करूँगा तो ये मेरी कस्टमाइज तरीके से मेरा कस्टम शो बन चुका है। यहाँ मेरी अच्छी स्लाइड शो होंगी, बाकी स्लाइड शो नहीं होंगी। बिगनिंग से आएगा, शुरू से आएगा, करंट से जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन कस्टम व्यू के द्वारा हम अपनी मनचाही स्लाइड को स्लाइड शो में शो करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि स्लाइड शो में अपने मनपसंद स्लाइड को शो करने के लिए कौन सा विकल्प यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम कस्टम शो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है सेटअप स्लाइड शो। दोस्तों ये जो ऑप्शन है उसका यूज़ किया जाता है अपने स्लाइड शो की सेटिंग करने के लिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दोनों पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं। अभी सिखाता हूँ मैं आपको क्लिक करके। यहाँ वह लूप कंटिन्यूसली अनटिल ESC, इस पर क्लिक कर देंगे तो लूप मतलब होता है लगातार चलते रहना, कंटिन्यूस लगातार चलता रहेगा अनटिल ESC। जब तक आप ESC प्रेस बटन नहीं करेंगे, ESC बटन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्लाइड चलती रहेगी लूप, मतलब एक एक करके वन बाय वन रिपीट होती रहेगी। करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब मैं रन करूँगा 5 से, तो आपकी स्लाइड नंबर 1 जो आपकी IT वर्ल्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर वगैरह वगैरह, दूसरे में हमने ये इसकी किसे अप्रूव्ड है, अगले में हमने फीचर्स दे दिए, अगले में हमने अपने ये सारे फीचर्स, सारे कोर्स, ठीक है, लास्ट में थैंकिंग यू। इसके बाद स्लाइड बंद होनी चाहिए, तो ये बंद नहीं होगी, फिर से शुरू से आ जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए शुरू से आ गया, ये स्लाइड इसी प्रकार से लूप चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक कि वो पूरी तरह से, मतलब जब तक कि आप ESC बटन को प्रेस नहीं करते हैं। जब तक आप ESC बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन, ये जो स्लाइड है वो चलती रहेगी और वो बार बार पे शुरू से आती रहेगी। तो ध्यान रहे जो मैंने अभी ऑप्शन बताया था, अभी जो ऑप्शन में मैंने टिक किया था वो ऑप्शन इसीलिए था स्लाइड को लगातार चलाते रहने के लिए, स्लाइड को बार बार पे चलाते रहने के लिए, स्लाइड को ख़त्म होने के बाद भी शुरू से लाने के लिए जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन यही है, लूप कंटिन्यूस अनटिल ESC के नाम से। तो ये पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इस ऑप्शन से क्या होता है, या फिर उसमें ऐसे आता है कि स्लाइड को बार बार प्रेस करने के लिए, चलाने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, तो लूप कंटिन्यूसली अनटिल ESC के नाम से ऑप्शन पेपर में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे दिया है शो विदाउट नरेशन, सब जानते हैं इस बात को, समझ गए होंगे आप कि नरेशन के बिना वीडियो को शो करने के लिए, शो विदाउट एनिमेशन, ये आप सब समझ गए होंगे कि एनिमेशन के बिना वीडियो स्लाइड को शो करने के लिए, जैसे कि आपके सामने स्लाइड है, इस पर एनिमेशन लगे हुए हैं, अगर आप इसे चलाएंगे, देखिए अभी नाम उड़ के नहीं आ रहे हैं, बस टिक गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी नाम उड़ के नहीं आए, इसमें भी कोई नाम उड़ के नहीं आए, क्योंकि हमने टिक कर दिया है शो विदाउट एनिमेशन पे। तो ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है घुमा फिरा करके कि किसी स्लाइड को बिना एनिमेशन के शो करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा या अच्छा होगा। नंबर ए, स्लाइड के एनिमेशन हटा दिया जाए। नंबर बी, शो विदाउट एनिमेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाए। तो आप स्लाइड के एनिमेशन हटाएंगे, आपको टाइम लगेगा, वो विकल्प ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए शो विदाउट एनिमेशन एक ही ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा और पूरे प्रेजेंटेशन में स्लाइड के एनिमेशन हट जाएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। एंड द अगला ऑप्शन है दोस्तों, द नेक्स्ट ऑप्शन, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन,
ये ऑप्शन 2003 और 7 में नहीं है, मैं इसको 2013 में ही देख रहा हूँ। और ये ऑप्शन जो है किस लिए होता है, आप इस पर अगर टिक कर देंगे तो कभी कभी क्या होता है, ओल्डर मशीन जो होती है, अपनी पुरानी मशीन जो होती है, पुराने जो कंप्यूटर होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर नहीं होते, ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो वो इस प्रकार के नए जो MS Office आ रहे हैं, नए पावर पॉइंट में जो ग्राफिक्स आ रहे हैं, उन ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं कर पाते, या उसकी वजह से उस प्रेजेंटेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पावर पॉइंट के ग्राफिक्स हल्के हो जाएं क्वालिटी में, या ये पुराने PC पे भी चल सके, तो उसके लिए हम डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन पर क्लिक करते हैं, एक्सेलरेशन पर क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ग्राफिक्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे और ये प्रेजेंटेशन फाइल पुरानी कंप्यूटर पे भी रन हो सकेगा, जो CPU ज़्यादा ताकतवर नहीं है उस पर भी ये रन हो सकेगा प्रेजेंटेशन, उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। और अच्छा CPU आपके पास है तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर पर डायरेक्टली इन्हें अप्लाई कर सकते हैं, है ना, मतलब बिना जो आपके ग्राफिक्स हैं उनको बिना हटाए यूज कर सकते हैं। अगर CPU हल्का है तो आप ये ग्राफिक्स को यहाँ से डिसेबल कर पाएंगे स्लैट के दौरान, ठीक है। तो ये ऑप्शन हुए जो कि पेपर में अक्सर आते हैं। एक मैंने बताया था अभी आपको, जो ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है ये वाले, ये भी पेपर में आते हैं। तो प्रेजेंटेशन बाई ए स्पीकर फुल स्क्रीन, इस पर टिक करने से आप समझ जाएंगे फुल स्क्रीन पर टिक किया गया है, तो ये पूरा प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे आएगा। एक आता है विंडो पर रन करने के लिए, तो ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल कोष्टक में विंडो, तो विंडो नाम दिया ऑप्शन, इससे आपका जो प्रेजेंटेशन है उस विंडो पर रन होगा, ना कि फुल स्क्रीन पर। करके दिखाते हैं, ये देख लीजिए ऊपर टाइटल बार शो हो रहा है आपको, नीचे टास्क बार शो हो रहा है, तो ये इसी स्क्रीन पे रन होने लग गया। इसके लिए कोई बड़ी मतलब फुली फुल स्क्रीन नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन विंडो पे चले, फुल स्क्रीन पे ना चले, तो हम ये काम भी बड़ी आसानी से पावर पॉइंट में कर सकते हैं। दोस्तों मैं रोक देता हूँ इसे, ठीक है, ये भी दिया फुल स्क्रीन के लिए। एंड यहाँ पे ऑल स्लाइड रन करने के लिए, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक करना है रन, और ये कस्टम व्यू अगर आपने बनाया है तो वही व्यू आपका यहाँ पर रन हो पाएगा। तो हम स्टेप से स्लाइड के जो व्यू होते हैं उनको कस्टम व्यू या ऑल स्लाइड या जो नंबर डालेंगे वो नंबर की स्लाइड को भी रन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं ऑल पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एडवांस स्लाइड मैनुअली यूजिंग टाइम इन प्रेजेंट्स, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो अपन टाइम जो लगा देते हैं टाइम के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड चलेगी, और क्लिक करेंगे इस पर तो आपकी स्लाइड मैनुअली चलेगी, टाइम उसका डिसेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ फिलहाल को ओके करता हूँ। मोस्टली काम के ऑप्शन जो आपके यही है कि आपको नोट करना है, एक ऑप्शन ये नोट कर लीजिए इसको, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन ऑप्शन को आप ढंग से नोट कर लीजिए और इन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये कई बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए मैं इसे बंद करता हूँ और अगले ऑप्शन पर चलते हैं अपन। अगला ऑप्शन है जो, एक मिनट जरा, हाँ, तो अपना अगला ऑप्शन जो है वो ये है दोस्तों कि हाइड स्लाइड। तो हाइड स्लाइड के द्वारा आप जिस स्लाइड पर क्लिक करेंगे वो स्लाइड हाइड हो जाएगी। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सामने ये स्लाइड हल्की सी हो गई है, थोड़ी लाइट हो गई है, देखो जो डार्क दिख रही है डार्क, और ये फिर से धुंधली टाइप की हो गई है। तो ये धुंधली होने का मतलब ये है कि स्लाइड आपकी छुप चुकी है। अगर किसी स्लाइड को प्रेजेंटेशन के रन करते समय दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए हम स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है कि प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को शो ना करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट करते हैं या हाइड करते हैं, तो हम उसे हाइड कर देते हैं या फिर कस्टम शो का यूज भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में आता है कि प्रेजेंटेशन को चलाते समय कुछ स्लाइड को दिखाना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा विकल्प अच्छा है, हाइड करना या कस्टम शो का उपयोग करना, तो कस्टम शो का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो मैं फिर से इसको हाइड को शो कर देता हूँ, चलो मैं अभी हाइड करके शो करता हूँ, देखिए ये चलाता हूँ उसको, ये स्लाइड आपके स्क्रीन पर नहीं आएगी, ये देखिए कोर्स आ चुके हैं लेकिन फीचर्स नहीं आए,
है ना। तो दोस्तों ये हम स्लाइड के जो फीचर्स वगैरह हैं, स्लाइड को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टैब का रिहर्सल टाइमिंग। ये इसलिए होता है कि हम स्लाइड पर जो हमारी स्लाइड चलती हैं, अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो एक बंदा कंप्यूटर पर बैठा है और एक प्रेजेंटेशन दे रहा है स्क्रीन पर, तो वो इस प्रकार से देगा, वो कंप्यूटर पर बैठा बंदा बैठा है और सर बोल रहा है कि आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर मुरैना आपका स्वागत करता है, तो मैंने बोला और दूसरा बंदा वहाँ बैठा बैठा क्लिक करता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब बंदा एक ही है तो वो हम चाहते हैं बंदा एक ही है तो इन पर जो स्लाइड पर जो टाइमिंग सेट कर दी जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि जब 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 कोई बंदा प्रेजेंटेशन देगा तो बार बार पर उठ के जाएगा कंप्यूटर के पास, फिर लौट के आएगा, फिर बाद में कंप्यूटर पर बैठेगा, फिर सामने स्क्रीन पर खड़ा हो जाएगा, फिर कंप्यूटर पर जाएगा, तो बार बार तो जाएगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हम स्लाइड पर अलग अलग टाइम सेट कर दें, तो अलग अलग टाइम सेट करने के लिए रिहर्सल टाइमिंग नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। रिहर्सल टाइमिंग नाम के ऑप्शन से ये भी कह सकते हैं कि भाई स्लाइड पर प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है रिहर्सल टाइमिंग, और ये भी कह सकते हैं कि स्लाइड पर सभी स्लाइड पर टाइम सेट करने के लिए, ऑटोमेटिक टाइम सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए भी रिहर्सल टाइमिंग नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। ये देखिए मैंने रन की स्लाइड और मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए पर टाइम कौन पर टाइम चल रहा है, ये ऊपर आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर मुरैना आपका स्वागत करता है। ये देखिए स्लाइड चल रही है, 9 सेकंड हो चुके हैं। जैसे ही स्लाइड दूसरी आएगी तो देखिए इस यहाँ पर इस बॉक्स में वाइट वाले में टाइमिंग शुरू से आ चुकी है और जो टोटल टाइम यहाँ चल रहा है, टोटल टाइम स्लाइड का टाइम, तो किस स्लाइड पर कितना टाइम लग रहा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर, सॉरी मेरा पावर पॉइंट क्रैश हो गया तो मुझे दोबारा से ये ओपन करके चलाना पड़ेगा, सॉरी किसी वजह से वो क्रैश हो गया। चलिए करते हैं रिहर्सल टाइमिंग। तो ये सबसे पहले तो आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करते हैं, ये इफेक्ट के बेस पर, मैं इफेक्ट को हटा देता हूँ, मैं इस इफेक्ट को हटा देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना आए मुझे, है ना। तो सॉरी दोस्तों मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, आपको वेट करना पड़ रहा है, सॉरी। ये मैं इसके इफेक्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिंपल इसको मैं इसका एनिमेशन इफेक्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं, आईटी वर्ल्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपका स्वागत करता है, ये टाइमिंग देखिए ऊपर 6 सेकंड हो चुकी हैं, और ये टाइमिंग देखिए नई स्लाइड पे आ चुके हैं, टाइमिंग शुरू से देखिए 1, 2, 3 और ये 11 है ना। अप्रूव्ड बाय डीआईटीआरपी डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज प्रोफेशनल मुंबई। फीचर्स हमारे देख सकते हैं स्क्रीन पे, NISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, स्कॉलरशिप सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, जो भी अपन बोलना चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये सारी की सारी जितना टाइम लग रहा है देखिए, हर स्लाइड पर टाइम ऑटोमेटिक शुरू से आ रहा है और टोटल टाइम दिखा रहा है 33 सेकंड। तो हर स्लाइड के लिए हम अलग अलग टाइम इसमें सेट कर पा रहे हैं, मैं ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। ये देखिए लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, फिर पूछता है द टोटल टाइम फॉर यू स्लाइड शो वाज 00 जो भी है 43 सेकंड का है, और डू वांट टू सेव, यदि आप चाहते हैं कि टाइम सेट सेव हो जाए तो यस कर दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मैंने कहीं गलती कर दी थी दोबारा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो नो पे करके दोबारा से रिहर्सल कर लीजिए, है ना, और लगता है सही है तो यस कर देंगे तो सभी स्लाइड पर ऑटोमेटिकली अलग अलग टाइम सेट हो जाएगा। जो टाइम सेट हुआ कि नहीं देखने के लिए आप व्यू में जाएँ और स्लाइड शॉर्टर पर क्लिक करें, देखिए 8 सेकंड का टाइम इस पर है, इस पर 13 सेकंड का टाइम है, देख लीजिए इस पर 11 सेकंड का, 9 और 3 सेकंड का टाइम, सभी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली कस्टम टाइम सेट हो चुका है। तो ये वापस मैं नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, तो किससे हुआ दोस्तों, स्लाइड
में जा करके, उस स्लाइड शो में जा करके रिहर्सल टाइमिंग के द्वारा हम स्लाइड पे अलग अलग कस्टम टाइम सेट कर सकते हैं। ये है रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये एक इसलिए है लिखा हुआ है क्लिक हियर टू चूज वेयर टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और टू क्लियर रिकॉर्डिंग टाइम एंड नरेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइम सेट है पहले से वो हट जाएगा और नया टाइम फिर से सेट हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सेम रिहर्सल टाइमिंग की तरह ही होता है। ये आपको आपको नरेशन दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, यूज टाइमिंग करनी कि नहीं करनी है, सो मीडिया कंट्रोल दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो इनको आप हटा सकते हैं स्लाइड शो के टाइम पर और लगा सकते हैं तो ये मीडिया शो नहीं होंगे। ठीक है, कहाँ चलाना है मॉनिटर पे तो ये ऑटोमेटिक करना है, प्रीमियर मॉनिटर करना है तो ये ऑटोमेटिक भी रहने दें इसको। तो इस टाइप से ये पूरे ऑप्शन जो है आपके स्लाइड सेटअप शो जो होता है, स्लाइड शो का सेटअप जो होता है, उसके बारे में हमने इसमें सीख लिया। आशा करता हूं कि आपको स्लाइड शो के ऑप्शन समझ में आए होंगे और इन स्लाइड शो के ऑप्शन की आप प्रैक्टिस भी कीजिए, और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए और मैं आपको उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। और आप इस पावर पॉइंट के ऑप्शंस की प्रैक्टिस भी कीजिए और जो ऑप्शन मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट कर लीजिए और उन ऑप्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इस चैनल को आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करते रहिए, हमें अपना प्यार बांटते रहिए, प्यार लेते रहिए, हमारी हेल्प करते रहिए, हमसे हेल्प लेते रहिए। दोस्तों मिलते रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।